सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। बीटाडीन 10% सॉल्यूशन, ये विन मेडिकेयर के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल है प्रोविडन आयोडीन 10% वेट बाय वॉल्यूम है तथा ये 500 ml की बोतल है तथा इसका MRP 520 rupees रहता है। तो बीटाडीन 10% सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। तो इसका बीटाडीन क्रीम आता है, बीटाडीन जेल आता है और बीटाडीन गार्गल आता है, माउथ गार्गल। तो ये सब अदर अदर फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आज हमारे पास है बीटाडीन 10% सॉल्यूशन जो इसके अंदर कंटेंट प्रोविडन आयोडीन डाला गया है। तो उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि ये डॉक्टर के द्वारा कब रिकमेंडेड किया जाता है तथा इसको क्या कहाँ पे लगाने का तथा इसके लगाने से आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएगा और क्या बेनिफिट होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। बीटाडीन सॉल्यूशन जो कि यूज किया जाता है वुंड इन्फेक्शन में, जब आपको कहीं लग जाती है कट या बाइक से चलाते चलाते गिर गए हो और कट वगैरह लगती है, तब इसको दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा ताकि आपको वुंड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ और इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए दिया जाता है। तथा जहाँ पर भी लगा रहे हो तो डॉक्टर की सलाह से लगा रहे हो। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पर लगा रहे हो वहाँ पर जलन जैसा महसूस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है और पूरी स्किन लाल लाल एकदम रेडनेस हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है, अपने डॉक्टर को पूछ के ही लगाने का और जितना डॉक्टर बोले उतना ही लगाने का है। तथा इसको जब भी यूज़ करें तो इसके लेवल को अच्छी तरह से पढ़ लें पहले यूज़ करने से पहले। तथा बीटाडीन 10% सॉल्यूशन जिसके अंदर प्रोविडन आयोडीन 10% सॉल्यूशन डाला गया जो कि एक एंटीसेप्टिक है तथा वो स्किन के ऊपर यूज किया जाता है तथा वो इन्फेक्शन से कम करता है तथा ये आयोडीन जो कि किल करता है तथा ग्रोथ को रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एंड बीटाडीन 10% सॉल्यूशन जो कि एंटीसेप्टिक है जो कि हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से तथा इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाने का, उसके बाद क्लीन करने का उसको प्रॉपरली। तथा इसको लगाने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि ये आपके आँख में, नाक में या ओपन कहीं पे नहीं जाए, जहाँ पे भी जैसे कि वेजिना वगैरह कहीं पे अंदर इंसर्ट ना जाए, अदरवाइज आपको पेन वगैरह हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी जाता तो तुरंत अपने पानी से उसको वॉश कर ले तथा इसको जलाना नहीं है तथा इसको तोड़ना नहीं है तथा स्किन जहाँ पे इन्फेक्टेड है वहीं पे लगाने का है। तो बीटाडीन सॉल्यूशन के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।